अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। लीगी सदर की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास, शहबाज शरीफ सूरह कौसर भूल गए, आधी सूरत पड़ी। इजलास में सदारती इलेक्शन में वोट के तरीकाकार पर ब्रीफिंग। सदारती इंतखाब होता कैसे है? इलेक्शन में कौमी असेंबली, सेनेट और बलोचिस्तान असेंबली का एक एक वोट, बकिया सूबाई असेंबलियों के 65-65 वोट हैं। इलेक्टोरल वोट की मजमूई तादाद 706 बनती है, 679 वोट कास्ट होने का इम्कान। शर्जील मेमन के कमरे से शराब की असल बोतलें बरामद की, पुलिस का दावा। हकायक मसक करने पर जेल हुकाम और कोर्ट पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। शर्जील मेमन के कमरे में शहद की कोई बोतल देखकर नहीं आया, हमें पता है किसके कब्जे में नमूने बदल दिए गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ सेक्रेटरी सिंह ने भी खून की रिपोर्ट मशकूक करार दे दी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाप्त, केस में मुलविस मुलजमान अहद चीमा और शाहिद शफीक 8 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। फाजिल जज के छुट्टी पर होने की वजह से समाप्त मुलतवी हुई। शहर कायद के इलाके इत्तेहाद टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुलजमान से असलहा, धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट्स बरामद। एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला 30वें चेयरमैन मुंतखब। एहसान मानी 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हुए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjh-news.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।